हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे ऑक्टल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑक्टल नंबर सिस्टम में एडिशन ऑपरेशन कैसे किया जाता है। तो टुडे वी विल स्टार्ट विद ऑक्टल एडिशन। तो देखिए, ऑक्टल एडिशन में क्या करते हैं, सिंपली जैसे हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम में एडिशन करते हैं वैसे ही करते हैं। बस इसमें ये ध्यान रखना होता है कि अगर दो नंबरों का एडिशन 7 से ज़्यादा आता है, ठीक है, अगर दो नंबरों का एडिशन 7 से ज़्यादा आता है तो जो नंबर आता है उसको हम क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं 8 से। ठीक, मेरे हिसाब से अगर आप एग्जाम्पल समझेंगे तो वो ज़्यादा जल्दी आपको समझ में आएगा। सपोज कीजिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 543 ऑक्टल में और हमें ऐड करना है इसके साथ 121। ये दोनों ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिए हुए हैं और हमको इनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो हम क्या करेंगे, हमने लिखा 543121 और इसको सिंपली जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐड करते हैं वैसे ही ऐड करेंगे। तो 3 और 1 4 हो गया, 4 2 6 हो गया, 5 1 6 हो गया। ठीक, तो देखिए इसमें कोई भी नंबर 7 से ज़्यादा नहीं आया तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, आंसर इज 664 और बेस 8। तो इसमें तो कुछ नहीं करना है हमको। अब आप सेकेंड एग्जाम्पल लीजिए, ठीक है, इसमें मान लीजिए आपको नंबर दिया हुआ है 7652 ऑक्टल में और इसे हमें ऐड करना है दूसरे ऑक्टल नंबर में 4574। ठीक, इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग हमने लिखा 7652 और 4574, इनको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए 4 और 2 6, ठीक है, अब ये आएगा 7 और 5 12। अभी मैं देखिए आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये है 12। ठीक, ये आएगा 6 और 5 11 और ये आएगा 7 और 4 11। तो हमें मालूम है कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में 0 से 7 तक ही डिजिट अलाउ होगी। ठीक है, उसके बाद 8 9 एंड सो ऑन दे आर नॉट अलाउड। तो अब हम इस 12 का या इस 11 का या इस 11 का हम क्या करेंगे, हम ये करते हैं कि इसमें से हम जो ऑक्टल का बेस है 8 है ना, ऑक्टल का बेस आपको मालूम है क्या होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। इन सबके जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, जो बेसिक लेक्चर है, वो ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है, आप उनसे अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें से हम बेस माइनस कर देंगे। ठीक है, तो बेस इसमें से आप 12 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो आप इसको लिखेंगे 4 और इसको 4 लिखने के साथ आप एक कैरी यहाँ पे कर देंगे। ठीक, फिर जब इस कैरी को आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा 6 5 11 और 1 12, मतलब कैरी को जोड़ के ये 12 आएगा। फिर हम इसमें से 8 माइनस कर देंगे, ये हो जाएगा 4 और एक कैरी यहाँ पे कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या होगा कि इसको जब आप जोड़ेंगे 7 4 11 और 1 12, 12 में फिर यहाँ पे आप माइनस 8 कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 4 और कैरी 1 1 आ जाएगी। तो यानी इसका जो आंसर आ जाएगा, इसका सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 1 4 4 4 और 6। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम, ये हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम में आंसर आ गया। तो मेन इसमें आपको यही ध्यान देखना है कि जब आप दो डिजिट्स को ऐड करेंगे, तो मान लीजिए 5 और 3 को हम ऐड कर रहे हैं, तो 5 और 3 को अगर आप ऐड करेंगे ऑक्टल में तो क्या आएगा, 5 3 8, और 8 तो अलाउड है नहीं क्योंकि यहाँ पे ऑक्टल में हम 0 से 7 तक ही यूज कर सकते हैं। तो इस 8 को हम क्या करेंगे, इसमें से हम -8 करेंगे और जो आएगा वो हम लिखा रहने देंगे, और जो माइनस हम कर रहे हैं इसके जगह पे हम एक कैरी इधर बढ़ा देंगे, अगर कुछ नहीं है तो वो कैरी यहाँ आ जाएगा, यानी फाइनल आंसर हो जाएगा हमारा 10 ऑक्टल में। क्लियर, तो आई होप कि आपको ऑक्टल एडिशन क्लियर हो गया होगा। मान लीजिए इसमें कुछ और क्वेश्चन, अगर कुछ और क्वेश्चन आप लेना चाहें, ठीक है, ऑक्टल एडिशन में, तो और भी आप एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने कहा, सपोज कीजिए हमने कहा 3 5 7 और 4, ये दिया हुआ है हमारा ऑक्टल में और इसको हमें ऐड करना है किसमें,
दूसरे ऑक्टल नंबर से। मान लीजिए वो दिया हुआ है 6 5 4 1, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसको हमने लिखा 3 5 7 4 और 6 5 4 1, इनका हमें एडिशन करना है। तो करिए, 4 और 1 5, तो ये इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये आएगा 7 और 4 11, ठीक। तो क्या हमने कहा ना कि 0 से 7 तक की डिजिट यूज करनी है, 7 से बड़ा अगर कुछ आएगा तो उसमें से हम 8 माइनस कर देंगे। तो 11 में से आप 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, 3, तो आप इसकी जगह पे लिखेंगे 3, और जो आपने 8 माइनस किया है उसका एक कैरी आप यहां बढ़ा देंगे, ठीक। अब यहां पे ऐड कीजिए 5 और 5 10 और 1 11, फिर ये 11 आया, तो 11 में से फिर हम 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3, और जो 8 माइनस किया उसका कैरी यहां बढ़ा देंगे, ठीक। फिर यहां पे आएगा 6 3 9 और 1 10, अब यहां पे 10 आएगा, तो 10 में से फिर हम 8 माइनस करेंगे तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा, 2, तो ये हो जाएगा 2, और इसका जो कैरी हमको, ये जो हमने यहां पे 8 माइनस किया इसका कैरी हम यहां बढ़ाएंगे, यहां पे कोई नंबर नहीं है तो ये आ जाएगा 1, ठीक। यानी इसका आंसर आ जाएगा सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1 2 3 3 5, ये इसका आंसर आ जाएगा ऑक्टल में। तो आई होप कि ये एग्जांपल सफिशिएंट थी आपको, ऑक्टल का एडिशन कैसे करना है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आते हैं ऑक्टल सब्ट्रैक्शन पे, मतलब ऑक्टल नंबर सिस्टम में अगर दो नंबर दिए हुए हैं और उनको सब्ट्रैक्ट करना, ऑक्टल सब्ट्रैक्शन। तो देखिए, सब्ट्रैक्शन अभी जो मैंने प्रीवियस वीडियोस डाली है, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 10s कॉम्प्लीमेंट, सब्ट्रैक्शन यूजिंग 1s कॉम्प्लीमेंट और सब्ट्रैक्शन यूजिंग 2s कॉम्प्लीमेंट, ये चारों का यूज करके कैसे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, ये वीडियो ऑलरेडी जो है चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप इनमें से कोई सा भी अगर आप कर लेंगे, वीडियो पढ़ लेंगे, तो आपको ये सेम मेथड यहाँ भी हम फॉलो करते हैं। इसके कुछ जो रूल, इसमें रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं। अब सपोज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमें कोई नंबर दिया हुआ है ए, ऑक्टल में दिया हुआ, उसमें से हमें बी घटाना है ऑक्टल में, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, दो नंबरों को घटाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि सबसे पहले तो इसका, जिस ये जो सब्ट्रैहेंड है, ठीक है, इसका हम क्या करेंगे, इसका हम 7s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, ठीक। और 7s कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालेंगे, हर डिजिट को, इस डिजिट को हम माइनस करेंगे किसमें से, 8 से माइनस करेंगे, ठीक। तो हमारा 7s आ जाएगा। फिर 7s कॉम्प्लीमेंट में हम क्या करेंगे, 7s कॉम्प्लीमेंट में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमारा 8s कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, ठीक। और जो 8s कॉम्प्लीमेंट आएगा उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी ये एक तरह से ए हो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, 8s कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, ठीक है। तो इस तरह हम इसको निकाल लेंगे, क्लियर। अब इसमें मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं तो ज्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे ऑक्टल में सब्ट्रैक्शन। चलिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं कि ऑक्टल नंबर्स में सब्ट्रैक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है से 7 5 2 6, ऑक्टल नंबर दिया है, इसमें से हमें माइनस करना है क्या, 3 1 4 2, ठीक। अब इसको कैसे करेंगे हम, सबसे पहले जो नंबर माइनस होना है 3 1 4 2, इसका हम 7s कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। कैसे, हमने लिखा 3 1 4 2 और हर डिजिट को अलग अलग हम 7 से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 7 में से ये जाएगा आपका 5 3 6 और 4, ये आ गया। अब इसमें हम क्या, ये तो आ गया हमारा क्या, 7s कॉम्प्लीमेंट, ठीक। इसमें हम 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 4 6 3 6, ये क्या हो गया, ये हो गया 8s कॉम्प्लीमेंट। अब इस 8s कॉम्प्लीमेंट को इसकी जगह पे रख के ऐड कर देंगे, इस निगेटिव को लिए लिए, ठीक। तो ये हो जाएगा 7 5 2 6 प्लस
एटस कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 4 6 3 6। अब इसको ऐड कीजिए तो 6 और 6 क्या आएगा, 12 आएगा, ठीक है। और 6 और 6 भाई 12 हम लिखेंगे नहीं, 12 को क्या करेंगे, 12 में से 8 घटा के लिखेंगे 4, और एक कैरी यहाँ आ जाएगा, फिर 3 2 5 1 6, फिर ये हो जाएगा 5 6 11, 11 नहीं लिखेंगे, 11 में से 8 गया 3, और उसका कैरी ये आ जाएगा क्योंकि जो 8 माइनस किए हैं। फिर यहाँ पे कितना आएगा, 7 4 11 और 1 12, फिर 12 में से 8 घटाएंगे 4, और जो घटाया है उसका कैरी 1। तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें ये जो कैरी आएगी इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको इग्नोर कर देंगे, इग्नोर कैरी। तो जो फाइनल आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 4364 ऑक्टल में। तो इस तरह ऑक्टल नंबर्स के सब्ट्रैक्शन अगर हमें करना हो ऑक्टल नंबर में तो हम इस तरह परफॉर्म करते हैं। अब मान लीजिए एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है 545 ऑक्टल में, उसको सब्ट्रैक्ट करना है, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 14, ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस 14 को आप, चूंकि ये 3 डिजिट में है तो इसको भी आप 3 डिजिट में ही लिखेंगे, तो आपने लिखा 014। अब इसको हर डिजिट को 7 से माइनस करेंगे, तो 7 में से 4 गया 3, 7 में से 1 गया 6, 7 में से 0 गया 7, ये क्या आएगा, ये आएगा 7s कॉम्प्लीमेंट, इसमें एक ऐड कर दीजिए, ये क्या आया, ये आया हमारा 8s कॉम्प्लीमेंट। और इस माइनस 14 की जगह पे हम ये रख देंगे, ठीक। तो अब 545 प्लस कर देंगे क्या, 764, ठीक, इसको ऐड कीजिए, 5 4 9, तो 9 तो लिखेंगे नहीं, 9 में से 8 घटाइए 1 बचेगा, यहाँ पे एक कैरी आ जाएगा। फिर 6 4 10 और 1 11, 11 में से 8 घटाइए 3 आया, एक कैरी आ गया। फिर 7 5 12 और 1 13, 13 में से 8 घटाइए 5 आ गया, और जो एक कैरी यहाँ आएगा वो हमने यहाँ लिख दिया, ठीक। अब इसमें ये जो कैरी आया लास्ट में, इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इग्नोर कर देंगे, तो ये हो गया, यहाँ लिख दीजिए इग्नोर कैरी, ठीक। जो हमारा आंसर आएगा, आंसर आ गया हमारा 531 ऑक्टल में। तो इस तरह से किसी भी दो ऑक्टल नंबर्स का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म करते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर ऑक्टल नंबर का जो बेसिक है या जो इंट्रोडक्शन है, अगर उसके बारे में आपको आपको कोई भी कंफ्यूजन है, तो जो मेरी प्रीवियस वीडियो पड़ी हुई है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर सिस्टम में, ऑक्टल नंबर सिस्टम की, उसको अगर आप रिफर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इस एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रिगार्डिंग अगर कोई भी कन्फ्यूज़न है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अवेलेबल हो तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।